आज जाजपुर जिला बीजेपी पक्षरु पाणिकोइली ठारे थिबा एसपी ऑफिस घेराव होइथिला। दिनको दिन राज्य में आईन श्रृंखला परिस्थिति नियंत्रण बाहर को चली जाउथिबा बेले अनेक समय रे राजनेता मंत्री मानक संप्रक्त मध्य सामना को आसुची। तेबे निकट रे महांगाठ ठारे दुई जण वरिष्ठ बीजेपी नेतांकु हत्या करा जिबा सहित एत्रे मंत्री संप्रति को नहीं साधारण संदेह प्रकाश पाई। तेणु आज बहुसंख्य जाजपुर समस्त ब्लॉक रु बीजेपी कर्मी एवं नेता माने एकत्रित होई पाणिकोइली बाजार निकटरु रैली रे बाहरी जाजपुर एसपी ऑफिस निकटरे मंत्री कुश पुतलिका दाह करने सहित एसपी को एक दाबीपत्र प्रदान करा जायछि। सबुठ बड़ दुर्भाग्यजनक कथा जो कुलमणि बराल को हत्या करहयोगी थे बयसर तारतम्य देखिले सतुरी अधिक हम से कौन गुंडागर्दी नासक दल विभिन्न प्रकार दुर्नीति को उन्मोचन करने द्वारा असहिष्णु वर्तमान आईन मंत्री प्रताप जेना योजनाबद्ध भाव हत्या कर तेणुक भारतीय जनता पार्टी धर्मशाल तरफ आज आम दाबी रखुचु एक आईन मंत्री भाव जो दायित्वहीनता जो दायित्व लिभवा कथा तार विपरीत दिगरे जो जाती धर्मशाल बीजेपी ताकु निंदा करने सहित मंत्री प्रताप जेना बहिष्कार दाबी करुचु। आज जाजपुर जिला एसपी ऑफिस धर्मशाल बीजेपी नेता रमेश चंद्र परिडा नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल शोभामें जाजपुर एसपी को एक मेमोरेंडम प्रदान करूँ जदि ए सफल ना होले धर्मशाल राजरास्तार भारतीय जनता पार्टी नेता बल शक्ति प्रदर्शन करन्याय विरुद्ध लड़े लड़ब महांगार पूर्वतन अध्यक्ष पंचायत समिति अध्यक्ष तथा वर्तमान वरिष्ठ बीजेपी नेता कालेपुर प्रभारी बीजेपी प्रभारी जपरी निर्मम नृशंस भाव में हत्या कराला जो विभत्सत्ता हत्याकांड घटी ता एक राजनैतिक हत्या और आ पक्ष राजनैतिक उद्देश्य जलदल कर देखा जाए दीर्घ दिन धरी प्रधानमंत्री आवास को जो हाइजाकिंग करुला विजु जनता दल ताक ना विरोध कर आसुवेटा दुर्नीति पर्दाफाश कर खाली से नुहे रेसन कार्ड दुर्नीति विभिन्न दुर्नीति से पचरे विधिवध भाव में लड़े करुवु रास्तु हटेपी ए प्रकार दुर्नीति बीजेपी बीजेडी दल ए प्रकार जगन्नाथ हत्याकांड घटाई। जाजपुर सत्यरंजन पाढ़ी रिपोर्ट।